greed sickens me. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Dish One Boxer. तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एशियन कंपनी के प्रोडक्ट काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, काफी सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं एंड इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक एशियन कंपनी का न्यू लॉन्च शू लेकर आया हूं। मॉडल नेम सब जगह स्पेसिफाई नहीं कर रखा था, ये है एशियन हैट्रिक 15। तो चलिए देख लेते हैं शू का हाइलाइटेड फीचर एंड साथ ही देख लेते हैं शू का बिल्ट इन डिजाइन। पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। एंड चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अनबॉक्सिंग की ओर। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के बॉक्स की। तो काफी अच्छी कंडीशन में मुझे बॉक्स रिसीव हुआ एंड अगर मैं कलर की बात करूं तो सब जगह पर रेड एंड व्हाइट कलर का यूज कर रखा है। बात करता हूं बॉक्स के फ्रंट की, तो यहां पर मुझे एशियन का लोगो देखने को मिल जाता है, नीचे की ओर यहां पर प्रीमियम स्पोर्ट्स वेयर लिखा गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइड में मुझे मेड इन इंडिया का एक लोगो देखने को मिल जाता है। बॉक्स को टर्न करने पर मुझे यहाँ पे सिमिलर चीजें देखने को मिल जाती है, ऊपर की ओर यहाँ पे मेरा एशियन मेरा टशन लिखा गया जो कि कंपनी की टैगलाइन है। एंड अगर मैं बॉक्स को टर्न करता हूँ लेफ्ट की ओर तो मुझे यहाँ पे एक टैग देखने को मिलता है जो कि थोड़ा बहुत रिमूव करा गया है, यहाँ पे प्राइसिंग नहीं दी गई है, बट इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। साइज मुझे यहाँ पे हाईलाइटेड देखने को मिल जाता है जो कि 8 है। एंड चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हैं एशियन का एक नया प्रोडक्ट एंड इनका एक लुक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। लेफ्ट वाले शूज को मैं साइड में रखता हूँ, राइट वाले शू का भी एक क्विक लुक दे देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे शू में एक एशियन का टैग देखने को मिलता है जिसके ऊपर शू के कुछ हाइलाइटेड फीचर्स सीखे गए एंड थोड़ा बहुत हमें कंपनी के बारे में देखने को मिल जाता है। एंड चलिए देखते शू को सिनेमेटिक लुक में। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के डिजाइन की एंड कलर की बात करूं तो यहाँ पे सब जगह पर ब्लू कलर का यूज कर रखा है शू के आउटर में, लोगो वगैरह सब जगह पर हमें ऑरेंज कलर देखने को मिल जाता है एंड पीछे की ओर सब जगह पर व्हाइट कलर दिया गया है। इस शू का मुझे सबसे ज्यादा हाइलाइटेड पार्ट इसका डिजाइन लगा है, काफी यूनिकली इस शू को डिजाइन कर रखा है। यहाँ पे सेंटर में मुझे एशियन का लोगो देखने को मिल जाता है, साइड में यहाँ पे लाइनिंग डिजाइन का यूज कर रखा है जिसके अंदर व्हाइट कलर हम लोग देख सकते हैं एंड इनर लेयर में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डॉटेड पैटर्न दिए गए। फ्रंट में मुझे कुछ अलग पैटर्न्स देखने को मिल जाता है एंड वही अगर मैं शूज को टर्न कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिमिलर डिजाइन देखने को मिल जाती है। बात करते स्पेसिफिक बैक की, तो बैक में यहाँ पे एक पैच को स्टिच कर रखा है जिस पर डिजाइन काफी सिमिलर दी गई है एंड सेंटर में मुझे यहाँ पे एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के बैक सोल की, तो यहाँ पे काफी हाई वॉल्यूम्स में ब्लॉक पैटर्न प्रोवाइड रखे जिसके ऊपर मुझे लाइनिंग डिजाइंस भी देखने को मिल जाती है जो कि अल्टीमेटली ग्रिपिंग को टारगेट कर रहे हैं एंड वॉकिंग एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूं शू के साइड सोल की, तो मुझे यहाँ पे काफी सिंपल एंड प्लेन डिजाइन देखने को मिल जाती है, सिंपल लाइनिंग का यहाँ पे यूज कर रखा है। वही अगर मैं शूज को टर्न कर रहा हूं तो मुझे इस साइड में नाइट्रो कैप्सूल लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के लेसेस की, तो यहाँ पे लेसेस को फैब्रिक के हुक के अंदर से डाला गया जो कि इन फ्यूचर यूज करने पर डैमेज हो सकता है। लेसेस के ऊपर भी मुझे यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाती है एंड उसी के नीचे यहाँ पे एक और एशियन का लोगो दिया गया है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के बिल्ड की, तो इस शू में सब जगह पर फैब्रिक एंड मेश प्रोवाइड कर रखा है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे लोगोस में मुझे थोड़ा बहुत सिंथेटिक एंड प्लास्टिक का यूज देखने को मिलता है जिसके कारण ये इजीली रिमूव नहीं होगा। शूज में इजीली एयर भी पास हो जाएगी जिसके कारण स्वेटिंग यहाँ पे कम होगी एंड वही अगर मैं शूज को टर्न कर रहा हूँ तो मुझे इस साइड में भी सिमिलर बिल्ड देखने को मिल जाता है। बात करते शू के स्पेसिफिक बैक की, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी डिफरेंस नहीं है बैक के बिल्ड में, यहाँ पर भी सेम फैब्रिक एंड मेश दिया गया एंड सेंटर में यहाँ पे एक और फैब्रिक की लेयर देखने को मिलते जो कि एक स्ट्रैप है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूं शू के बैक सोल की, तो बैक सोल में आप इस सब जगह पर ईवा क्वालिटी का यूज कर रखा है, नाइट्रो कैप्सूल भी यहां पे प्रोवाइड कर रखा है सोल एरिया में एंड एक बार मैं आप लोगों को इसे प्रेस करके दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं बैक में अगर मैं नाइट्रो कैप्सूल वाले एरिया में प्रेस कर रहा हूं तो शूज काफी ज्यादा हार्ड हो रहे हैं, बट अगर मैं कंपेयर करता हूं फ्रंट से तो फ्रंट काफी अंदर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ शू के साइड सोल की, तो यहाँ पे साइड सोल एंड आउटर को ग्लू एंड फैब्रिक से स्टिच कर रखा है ताकि ये परमानेंटली स्टक रहे एंड ये इजीली रिमूव नहीं हो।
टैप करने पर मुझे ये इक्वली हार्ड लग रहा है बैक्सोल की तरह, एंड अगर मैं स्पेसिफिकली नाइट्रो कैप्सूल वाले एरिया में प्रेस कर रहा हूँ तो काफी इजीली एंड सॉफ्टली प्रेस हो रहा है, जो कि वॉकिंग में एक स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ शू के लेसेस की, तो मुझे यहाँ पे राउंड लेसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के। मैं एक बार आप लोगों को इसके टिप पर जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस इसीलिए बात कर लेते हैं शू के इनर सोल की, तो मुझे यहाँ पे एशियन का ओरिजिनल इनर सोल देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे मेमोरी फॉर्म का यूज कर रखा है, मैं एक बार आप लोगों को इसे निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंगल लेयर दी गई है फॉर्म की, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के, कहीं पर भी रबर का यूज नहीं कर रखा है, एंड प्रेस करने पर भी ये काफी अच्छा फील दे रहा है। अंदर की ओर मुझे एक सिंथेटिक की लेयर देखने को मिल जाती है जो कि सरफेस क्लीन कर रही है। मैं एक बार आप लोगों को इनर सरफेस भी टैप करके दिखा देता हूँ। तो टैप करने पर मुझे इनर सरफेस भी काफी हार्ड लगी, एंड मुझे लेसेस के नीचे डिफरेंट कंट्रीज के साइजेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ शू के वेट का, तो यहाँ पे एक शू का वेट हमें देखने को मिलता है 182 ग्राम्स। दूसरे वाले शू के वेट की बात करूँ तो वो यहाँ पे कुछ 2-3 ग्राम्स ज्यादा है। इन टोटल बात करूँ दोनों शू के वेट की तो वो है 365 ग्राम्स, जो कि काफी परफेक्ट है अगर हमें शू को रनिंग के लिए भी लेते हैं एंड कैजुअल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट की, तो एक बार मैं आप लोगों को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे साइड सोल में थोड़े बहुत शू स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं। दोनों साइड में मुझे एग्जैक्टली सेम स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं आउटर की बात करूँ तो आउटर में भी काफी हैवी शू स्ट्रेच मार्क्स बन रहे हैं, पर ये काफी ज्यादा टेम्परेरी रहेंगे फैब्रिक एंड मेश के कारण। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट की, एंड सबसे पहले हम बात करते हैं शू के वॉकिंग टेस्ट की। तो वॉकिंग एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे काफी स्मूथ रहा है, स्पेशली नाइट्रो कैप्सूल पे भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है, पहले से काफी इम्प्रूव्ड मुझे अब लगा है, एंड इवन वॉक करते टाइम शूज काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे, कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ शू के रनिंग टेस्ट की, तो यहाँ पे रनिंग को लेकर भी काफी ज्यादा वर्क करा गया, शूज को काफी लाइट वेट बनाया गया ताकि रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एंड सभी सर्फेस पे रन करने के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे सॉलिड सर्फेस पे दिखा। ग्रिपिंग यहाँ पे काफी प्रॉपर दी गई है, एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ शू के फिटिंग की, तो यहाँ पे मुझे फिटिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ शू के जंप टेस्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं अगर मैं शू में जंप करूँ तो शूज जंप करते टाइम काफी स्टेबल है, जिसके कारण कोई भी हैवी एक्टिविटी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड थोड़े बहुत यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स बन रहे शू के साइड सोल में, जो कि इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं। तो गाइस एट द एंड हम बात कर लेते हैं शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट की। तो ये शूज पड़े थे मुझे एक्जैक्टली 900 रुपीज के, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से शू को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शू के वर्डिक्ट की, तो इस शू को परचेस करना मेरी नजर में तो काफी वर्थ रहेगा, सभी एंगल से मुझे शू काफी परफेक्ट लगा, मैश एंड फैब्रिक क्वालिटी भी काफी अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, जिसके कारण हैवी वर्कआउट में स्वेटिंग काफी कम होगी, एंड एक जो प्रॉब्लम मुझे शू की लगी है वो है ड्यूरेबिलिटी, ये शूज ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेंगे। मैंने आपको लेसेस में बताया था यहाँ पे फैब्रिक हुक्स प्रोवाइड कर रखे, जो कि इन फ्यूचर डैमेज हो सकते हैं, एंड इवन इस शू में स्ट्रेच मार्क्स भी ज्यादा बनेंगे साइड सोल में, जिसके कारण ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। एंड गाइज अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इश्यू से रिलेटेड। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।